राशन का भी कमी है, पैसा भी नहीं है और राशन का भी कमी है और पैसा भी नहीं है। 200-400 था तो कल हम बाजार से जाकर सब्जी उब्जी खरीद के लाए है कि नहीं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं शौकत अली, आप देख रहे हैं ऐसे ब्लॉग सी से। और आज की ब्लॉगिंग मेरा फिर से जो है राशन खातून के से रिलेटेड है, उस पीड़ित महिला से रिलेटेड जो जिलानी अंसारी का जो चुनाव में डेथ हो गया था उसी से रिलेटेड मैं दो चार बातें इनसे हमदर्द होने के नाते और एक आम नागरिक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते जो है इनसे करूँगा और इससे फिर उस बात को जानने के प्रयास करूँगा। मेरा उस दिन वीडियो बनाने के बाद में रोशन आपके पास में कोई आया था या तो किसी तरह का कोई बात विचार हुआ या कोई भी जानकारी लेने का प्रयास किया? नहीं, कोई नहीं आया था। ये घटना के बाद में कितना दिन विधायक साहब आपके पास आए हैं? विधायक नहीं आया है लेकिन एक दो बार बस पैसा भेजे थे रमजान में। एक दो दफा रमजान में पैसा भेजे हैं और तुरंत में 1 लाख दिए थे। तुरंत में 1 लाख विधायक जी भेजे थे? हाँ, के लोग, बंधु के लोग, ये लोग सब आके उनके पैसा को जो है इनके थ्रू मिला था है कि नहीं? हाँ। इस बार भी जो है माननीय विधायक जी से गुहार लगाया जाएगा कि इस रमजान के महीना आ गया और रमजान के महीना में जो है एक आम और नॉर्मल परिवार में जो है काफ़ी खर्च होता है, पर तो ये इस परिवार से क्षति उठ गया है तो आप सोच सकते हैं कि इसको मैनेज करने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ये प्रॉब्लम जो है बिना प्रॉब्लम का भी बीत सकता है अगर हम और आप इनके साथ खड़ा रहे तो। इनका हकीकत में जो ज़िंदगी में जितने चीज़ इसको जो है ऊपर वाला अता किया था, अब इसको हम लोग पूरा दुनिया का दौलत को भी ला के इसके सामने रख दें तो वो खुशी नहीं दे सकते हैं जो इसका जीवन साथी से इसको प्राप्त था है कि नहीं। इसीलिए जो है थोड़ा बहुत इसका हमदर्द होने के नाते जो है हमारे गांव की युवाओं से और सभी की तरफ से मैं बोलना चाहता हूं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और विधायक जी को भी कि आप लोग जो है केयर कीजिए, क्योंकि एक जिम्मेदारी पोस्ट पर आप लोगों को इसलिए बिठाया जाता है कि गाँव समाज में कौन दबे कुचले लोग हैं और किसका ज़रूरत किस वक्त सरकार से पड़ती है, ये सारा चीज़ को जो है जानकारी लेना और हर एक प्रखंड में जिस तरह जनप्रतिनिधि रखा जाता है इसी तरह जो है आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा कि आप भी जो है अपना जो है नुमाइंदा भेज के और इसका सारा चीज़ को पूर्ति करने के प्रयास कीजिए, क्योंकि ये 2024 चुनाव भी आ रहा है और ये चुनाव से रिलेटेड मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बस इतना है कि लोगों को जो है वही 2019 में जो दर्द और जो गम गांव वालों को अचानक एक जो है आके मिला था उसी गम ताज़ा हो जाएगा, बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएगा। इसलिए जो है ये फर्स्ट रमज़ान भी है और इस रमज़ान में खरीदे हैं? हाँ, चना सब खरीदे हैं। सब खरीदे हैं और किसी बात का कमी या दिक्कत नहीं? वैसे अभी तो दिक्कतें हैं लेकिन कितना दिक्कत को बताएंगे, सारा चीज़ को बताना है क्योंकि ये सारा दिक्कत को सुनने के लिए जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी या जितने भी पोस्ट पे हैं अधिकारी पोस्टेड है सत्ता पे जितने हैं सबको सत्ता में बैठा ही इसीलिए गया है कि हमारा मजबूरी को सुने। राशन का भी कमी है, पैसा भी नहीं है और राशन का भी कमी है और पैसा भी नहीं है। 200-400 था तो कल हम बाजार से जाकर सब्जी उब्जी खरीद के लाए है कि नहीं। तो इनके पास जो है अभी देख सकते हैं कि आगे चलने का सफ़र लंबा है और सामान्य सफ़र नहीं है और इसके लिए जो है हम और आपको आगे बढ़ के आना पड़ेगा और आगे बढ़ के आगे जो है इनका हर तरह से मदद करने की प्रयास किया जाएगा, क्योंकि मदद करने से इसका जख्म तो नहीं भर सकता है पर जख्म में मलहम लगाने के काम जरूर कर सकते हैं हम और आप। इसीलिए जो है इसको सभी मिलजुल के जो है इसका हल किया जाए और गाँव और समाज के अंदर इसको तनाव महसूस ना हो, इसको भी केयर किया जाए। असल तो नहीं करने के सवाल पैदा नहीं होता, असल किया जाए पर उसका जो है नकल करने के प्रयास करें, जो भी ज़रूरत है उसके लिए खड़ा हो, रात हो, विकार हो, बीमारी है, समारी है, जिस तरह का भी ज़रूरत इसको खाने पीने से लेकर सारा चीज़ का जितने भी ज़रूरियात है ये सारा चीज़ के पूर्ति करने के लिए जो है हम और आपको सामने आना पड़ेगा, तभी जाके जो है इस बेचारी को गांव समाज में जो है खुल के जीने का मौका मिलेगा। अब इसको मुसीबत इसके ऊपर है कहा कि इस तरह इसको ना दबाया जाए कि ये जो है बिल्कुल समाज में दबे कुचले तो है ही और दबा कुचला दिया जाए इसको। इस बात को उठाऊँगा कि उसको जो है जिलानी का मृत्यु के बाद में उसको एक्चुअली में उसका मुआवजा का हकदार था कि नहीं था, क्योंकि पर्सनल किसी के चलते जो है जान नहीं दिया है, जान दिया है स्पेशल
चुनाव के चलते, और ये चुनाव जो मुख्य वजह बनता है, इसका मौत का कारण बनता है, तो कहीं ना कहीं जो है इसको गांव समाज सभी को लेकर चलना पड़ेगा, है कि नहीं? और इसका आवाज़ हम लोग को जगह जगह उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस आवाज़ को अगर अभी दबा दिया जाए तो ये हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और एक परिवार फिर से ख़त्म हो जाएगा। ये फैमिली जो है अभी उभर के जो गांव समाज में खड़ा होने की भी प्रयास नहीं किया था जिलानी, छोटा छोटा 3 बच्चा है उसका, देख सकते हैं अभी तो उसका ज़िंदगी शुरू हुआ था और उसको उसके साथ में ये इतना बड़ा हादसा हो गया। अब ऐसा ना हो कि इस परिवार जो है सबका दिल और दिमाग से मिट जाए। बूथ में जितने लोग आए थे मतदान करने, उन लोगों से भी संपर्क करूंगा मैं और इसको जो है हर उस लेवल तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि मेरा नाजायज़ कोई बात कहना है ये नहीं है, मेरा सिर्फ जायज़ 2-4 बात आप लोगों से कहनी है। वो बात क्या है कि रोशन की ज़िंदगी जो जख्म से भरा हुआ है, इसको हम और आप मिल के सिर्फ मलहम लगाने की काम करें, और सबसे ज़्यादा जो है ये दाऊद बनता है, हाँ दौड़े क्या करे। और कुछ अपने तरफ से बताओ रोशन, कि अभी इस तरह 3-4 साल में किस तरह सफ़र करते हैं यहाँ तक आप पहुँचे हैं? किसी तरह बस 1000 पेंशन, यानी पेंशन उन्शन मिलता है और आपके भाई लोग जो देते हैं उसी से चलता होता है कि नहीं? कितना दिन से मैं क्या आपने किए हैं? 5-6 महीने से ज़्यादा हो रहा है, मुहर्रम से पहले गए थे। मुहर्रम से पहले? समाज अड़ोस पड़ोस आपके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं? ठीक है करते हैं, लेकिन बस रमजान में बस देते हैं, है कि नहीं? आप, तो ऐसा कोई नहीं, आपका जो है ना हर तरह का परेशानी को आप शेयर कर सकते हैं अपना पड़ोसी से, अपना गांव वालों से, सबसे। ये हमारे, ये आप ही के गाँव, कहाँ घर हुआ आपका सर? बगनी। आप, आपका नाम क्या हुआ? राजीव अंसारी। राजीव जी, आप लोग जो है इस जगह रहते हैं, रोशन से मिलने जुलने चाहे किसी भी सत्ता का आदमी आते हैं या कोई बात बोलते हैं, उसमें आप लोग जोर नहीं देते हैं? रहते हैं तो देते हैं, कैसे नहीं देंगे? इसका जो है निजी ज़िंदगी के अंदर कोई इंटरफेयर तो गांव वाला नहीं करता है, नहीं। है ना? तो आप लोग जो है, आप ये कैमरा के माध्यम से क्या कहना चाहिएगा मंत्री जी को, या तो इसके लेके जिलानी के मौजा को लेके? हाँ, हमारा का मशवरा है जो भी है वो लाभ मिल जाए, लाभ जो सरकार वादा हाँ, किया उसको पूरा किया जाए, पूरा किया जाए हाँ। और सरकार की वादा हकीकत में बताया जाए कि गाँव वाला के शब्द नहीं बनता है बनने के लिए, क्योंकि एक दूसरे के परेशानी को देखते देखते उसका चूरा है तो वो छाड़ेगा, ये सोच अर्थ जात था, ये सारा क्षमता को खो चुका है आज पब्लिक। वरना उसके अंदर उसका चूरा है तो वो छाड़ेगा, ये सिस्टम खाली नहीं रहता, उसका चूरा है तो मेरा चूरा है समझ के अगर आगे बढ़ता तो आज ये शैली और सोचने का जो क्षमता है ये बरकरार रहता। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग सत्ताधारी हैं, आप लोग जो है हर समाज में जा सकते हैं, विकास तो कीजिएगा पर समाज की दबे कुचले लोगों को जो है केयर कीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों को इस मकाम पे बैठाइए इसीलिए गया है कि आप जो है डबे कुचले, इस तरह घटना जहाँ भी घटी हो आप हर जगह का मुआवजा दिए हैं फूल के आके सामने, और ये चुनाव से रिलेटेड है और सभी कोई गांव से लेकर बाहर का सभी कोई जो है आंख बंद कर देगा, तो एक परिवार को जीना और एक लेडीज़ को, महिला को जीना कितना मुश्किल है इस समाज के अंदर, उसको आप खुद भी बिलीव कर सकते हैं। आप लोग जो है के लिए अपना पति के साथ जो जाता है वो खुशी कभी ज़िंदगी में इसको नहीं मिलेगा, वो छीन चुकी है इसका, अब जो भी बाहर की खुशी है उसको देने के प्रयास करें। और इसका मौजा, उसका छोटा छोटा बाल बच्चा है, 2 बेटा है 1 बेटी है, ये दोनों को जो है आप लोग तीनों को गोद लेने की बात किए थे, इसको भी आप देखिए और आप थोड़ा सा गौर कीजिए, सोचिए। आप अगर गौर नहीं कीजिएगा तो मैं हर जगह इस बात को उठाऊँगा, हर गाँव में, हर कस्बा में, हर शहर में जाके इस बात को उठाऊँगा, क्योंकि ये गाँव समाज की बात है और ये जो है फंडामेंटल में भी आता है कि हर एक नागरिक का जिम्मेवारी है और हर एक नागरिक पर आधारित है कि अपने गांव समाज की किसी भी बात को दबने ना दे और सामने लाए उसको, ताकि जो है सत्ताधारी कहां से बैठ के वहां से जानेंगे। पड़ोसी के घर में पुलाव पका है, क्या पका है, इसको सिर्फ पड़ोसी जान सकता है, सरकार वहां बैठ के सारा चीज़ को नहीं जान सकता है। सरकार को खबर दिया जाता है, सरकार को जब हम सारा चीज़ को बताएँगे, गांव वाले उसे रिव्यू लेके बताएंगे, तब सरकार तक भी ये बात पहुंचेगा कि एक दुखियारी भी है, इससे सरकार कुछ वादा भी किया है, इसको कुछ पूरा भी करना है, इसको बाल बच्चा की गोद लेने के बाद भी कही थी सरकार, इसको मौजा देने की भी बात कही थी। ये सारा बात जब तक पूरा नहीं होगा सर, तब तक के लिए जो है मैं एक जगह ऐसा नहीं है जहाँ नहीं उठाऊँगा। अभी जो है कल से मैं इसका रिव्यू लेना शुरू करूँगा। आप लोग इस तरफ फोकस करने से बेहतर है कि इस परिवार की तरफ फोकस कीजिए और इस परिवार को एक बेहतर लेवल में और एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने की काम कीजिए।
मैं इस बात से बिल्कुल मुझे जो है कोई एतराज़ नहीं रहेगा कि आप इसको एक प्लेटफॉर्म दीजिए। मुझे बहुत खुशी होगा कि हम जो है दुखियारी का काम आ जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से पुनः आग्रह करता हूं मैं कि जो जो सरकार की द्वारा इसको जो है वादा किया गया है वो सारा वादा को पूर्ण कीजिए यार, पूरा कीजिए। क्योंकि ये वादा पूरा ना किया जाए ऐसा आप कोई छोटा मोटा हस्ती नहीं है। आपको सत्ता पे बैठाया गया है इस पब्लिक की दुख दर्द को इसका चिंता करने के लिए। आप इस पब्लिक का चिंता कीजिए और वहाँ बैठ के गद्दी में बैठ के आप मत भूलिए इस पब्लिक को, दबे कुचले लोगों को। हम लोगों को आपकी सख्त ज़रूरत है क्योंकि गांव समाज में हम लोग हैं और इस गांव समाज की चीज़ों को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो किनके पास हम फरियाद लेके जाएंगे। ये फरियाद लेके हमारे सरकारी तो है जिसके पास हम जाएंगे। दुनिया भी एतबार से ये हमारा सरकार हर कोई का रक्षक होता है तो हम अपना रक्षक के पास जाएंगे। बेसिकली किसी को कोई तकलीफ़ होता है तो अपना रक्षक के पास जाता है। गाड़ी ख़राब होता है गैरेज ले जाया जाता है, आदमी बीमार पड़ता है डॉक्टर के पास जाया जाता है। इसी तरह गांव समाज में कोई समस्या हो तो सरकार के पास ही आदमी जाएगा क्योंकि एक ही दरबार है, वही दरबार है जहाँ सुना जाएगा। और उस दरबार में ना सुना गया तो फिर हम कहाँ भटकेंगे, क्योंकि हम स्पेशल अपने लिए दरबार बना के रखे हैं गाँव समाज के लिए। तो गाँव समाज की उन्नति के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा और गांव समाज में क्या क्या कमी कोताही है इसको आके देखना ही पड़ेगा। क्योंकि सामने चुनाव उससे हमको मतलब नहीं है, वो तो हमारा एक परंपरा है, उसको हर हाल में हम लोग निभाएंगे। पर ये गांव के अंदर समाज के अंदर जितने भी तरह का मुसीबतें हैं या तकलीफ़ है या किसी भी तरह समस्या है, ये सबको उजागर करना हम लोग का काम है और इसको पूरा करना आपका काम है। और यही एक काम का फर्ज को मैं निभा रहा हूँ अपना ब्लॉगिंग के जरिए। आप लोग अपना कर्तव्य को निभाइए अपना सत्ता के जरिए। ये दो वो चीज़ें हैं जिसके चलते ये बात हो रही है, वरना आप लोगों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं था। बात करने का मेन ज़रूरत यही है कि इस दुखियारी का हम लोग जो है गांव समाज के लोग काम आ जाएंगे। एक एक गांव के व्यक्ति से पूछने की प्रयास करूंगा मैं कि आप लोग इसका गम में शिरकत हैं कि नहीं है, शरीक हैं कि नहीं है। हर एक बूथ के लोगों से पूछूंगा मैं जाके कि इसका गम में आप लोग शिरकत हैं कि नहीं है। क्योंकि एक आदमी गांव के लिए समाज के लिए जान दे देता है और बाकी आदमी अपना चूहे तो अपना छारे वाले चक्कर में रहेगा तो फिर गांव समाज क्या होगा, किस दिशा में जाएगा गांव और समाज। इसलिए गांव और समाज को जो है एक सही दिशा में ले जाने के लिए और एक गांव और समाज को अच्छे प्लेटफॉर्म देने के लिए जो है जगह जगह इसको आवाज़ उठाना पड़ेगा और सभी लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि मुझे सपोर्ट और कोऑपरेट की सख्त ज़रूरत है क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं इसको जो है बाय में या अपना फ़ायदा के लिए आके अपना निजी मामला के लिए करूं और फिर बाद में जो है मुझे कोई डाइवर्ट कर दे और हट जाऊं। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई डाइवर्ट करे चाहे कुछ भी करे, मुझे सिर्फ एक ही बात कहना है कि इस दुखियारी का मांग को पूरा किया जाए, है कि नहीं। रोशन आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर समय जो है आपको अपना हम कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं ना, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी बात की ज़रूरत होगा हम अपना अंजुमन में रखेंगे, आपका अंजुमन में रखेंगे। और सरकार जब तक के लिए आपको पूरा नहीं कर रहा है तब तक के लिए हम गांव समाज से मदद लेके आपको पूरा करने की प्रयास करेंगे, ठीक है गुरु। आप की समझिए कि आपका बड़ा भाई हम खड़ा हैं इस जगह, आपका हर दुख दर्द में शामिल होने के लिए आपके भाई आपकी गांव समाज के सभी के लोगों को हम लेके खड़ा रहेंगे, है कि नहीं। आपको किसी बात का एतराज़ तो नहीं है, है ना। कोई आदमी अगर आपको आके डाइवर्ट करता है तो आप डाइवर्ट मत होइएगा क्योंकि आपके चलते ये कदम उठाया जा रहा है। और गांव हम लोग कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं रोशन, हम लोग जो है सिर्फ इतना काम कर रहे हैं कि लोगों को आपका दुख और दर्द नहीं दिख रहा है उसको सिर्फ दिखाने के प्रयास कर रहे हैं आयना बना के बस। या आपका दुख दर्द दो ही दिन तीन साल के लिए था या जिलानी की ज़िंदगी या जिलानी की कुर्बानी जो है इसी बात के लिए था कि आज हमारा गाँव समाज जो है हमको भूल के बैठ जाए या हमारा बाल बच्चा असहाय हो जाए। आप लोग जिस पर आश्रित थे उसको जो है आप लोगों के लिए पूरा तो नहीं कर सक किया जा सकता है पर उसका नकल करके ज़रूर दिखाया जाएगा और नकल करने की प्रयास किया जाएगा, है कि नहीं। आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं कहिए, खुल के बोलिए सरकार से क्योंकि आपकी सरकार है, आपको बोलने का हक है, फ्रीडम है आपको, आप बोल सकते हैं। आज तीन साल से ज़्यादा हो गया कर रहे हैं कि हमको कुछ काम लग जाए, कुछ भी काम लगे तो हम उसको करने के लिए तैयार है। काहे कि मेरा लाइफ के लिए नहीं, मेरे बाल बच्चे के लिए, तीन बच्चों हैं हम किस तरह से पालेंगे। बहुत कठिनाई होती है बिना कमाई का घर चलाना औरत जात को, बस 15 kg का राशन में क्या हो सकता है। 15 kg राशन मिलता है, राशन कार्ड में कई आदमी के नाम है, तीन आदमी के। तो आप लोग तो अभी फिलहाल चार हैं। चार है लेकिन एक बेटी है उसका नहीं चढ़ा है नाम, नाम चढ़ा हुआ नहीं है, वो भी चढ़ जाएगा। और बोलिए कुछ।
हमको खाली रोजगार मिल जाए और मेरा बच्चा लोग को पढ़ाने लिखाने का जिम्मा लेंगे बोले थे, वो भी ले लिए तो अच्छा रहेगा और कुछ मुआवजा भी अपना तरफ। बड़ा मांग नहीं कर रही है बेचारी, अपना सारा जिंदगी की खुशी को लुटाने के बाद जो है ये बहुत बड़ा मांग नहीं है, ये छोटा छोटा जेन्युइन मांग है कि ये अगर एक तरह की गांव समाज में काम करने वाली एक कुर्नी कजारी होती तो वो भी बात है। ये कह रही है कि मुझे कोई भी काम चाहिए। कोई भी काम से मुराद क्या है कि आप सरकारी चपरासी की नौकरी पर दिला दीजिए। और ये बच्चे का जो पढ़ाने का जो फिक्र है, अब ये लेडीज आदमी है, महिला का कौन कार्ड है? लाल कार्ड है, अंत्योदय में नहीं आता है। मैं गुमला का डी एस ओ साहब गुलाम समधानी जी से भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारा ऐसा व्यक्ति का अंत्योदय कार्ड है जिनको ज़रूरत नहीं है, आप जो है थोड़ा सा ध्यान दे के आप थोड़ा सा जायज़ा लीजिए कि इनका जो है अंत्योदय कार्ड में अगर कन्वर्ट हो जाए तो 35 केजी चावल मिलेगा तो सहारा हो जाएगा इसको। इसलिए आपसे भी मैं अनुरोध करता हूँ और आपसे भी आग्रह करता हूँ कि आप जो है इनको ध्यान दें और एक बार इससे मिलने के लिए ज़रूर आएँ। आप लोग पोस्ट पर बैठे हुए लोग अगर इस बात को केयर नहीं कीजिएगा और गाँव समाज के लोग केयर नहीं करेंगे तो क्या हाल होगा इसका? चार चार जिंदगी आधारित है, ये निर्भर था जिलानी से, चार जिंदगी जो है आश्रित था, पूरा निर्भर था। और काम के लिए नहीं बल्कि चुनाव के लिए कुर्बान कर दिया आपने आपको चुनाव के दिन। अब ये चार जिंदगी की तरफ आप लोग झांक के नहीं देखिएगा तो ये गांव की चार की तरफ हम लोग गांव वाला भी अगर झांक के नहीं देखेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि पता चला चार करते 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 पूरा गाँव साफ हो जाएगा। इसलिए आप सत्ताधारी से जो है अनुरोध है कि आप लोग केयर कीजिए इसको। मैं आप लोग हर लोगों से राय लेने के प्रयास करूंगा, लोग जो है इसका जेन्युइन मांग को पूरा कीजिए, क्योंकि आप लोग पूरा नहीं कीजिएगा जेन्युइन मांग को तो मैं हर उस जगह में आवाज़ उठाऊंगा जहां पर जो है उठाने की ज़रूरत है और इस बात को बोला जाएगा हर गांव और कस्बा से। तो रोशन कुछ और बोलना चाहते हैं आप? जी नहीं, आप कितना बोलेंगे? ठीक है, आपको जो है गाँव समाज की तरफ से जो भी मिल रहा है उसके बावजूद भी आप समझिए आपके भाई खड़ा है। आप 24 घंटे में किसी भी टाइम हमारा टीम को कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आप गांव समाज से जो भी हो पाएगा आपकी जगह पहुंच जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपसे मिलने आए तो आप मुझे फौरन खबर कीजिएगा ताकि जो है उससे बात किया जाए। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो करना नहीं चाहता हूँ, मैं बस आया था इसका जो है मुख्य उद्देश्य कि उस दिन का वीडियो के बाद जो है किसी तरह कोई हरकत हुआ था कि नहीं। एक अननोन व्यक्ति गुप्त व्यक्ति के द्वारा फ़ोन किया गया था, उसको नहीं बताना चाहता हूँ मैं। इनके पास फ़ोन करके कहा गया कि कुछ पैसा दिया गया था 1 लाख जैसा, उसको आप वीडियो में नहीं बोले, ऐसा नहीं बोले, ऐसा कोई बात नहीं है। इसके लिए लाख तो दूर की बात है, करोड़ तो दूर की बात है, अरब भी जो है इसके पास फीका पड़ जाएगा क्योंकि इसका ज़िंदगी में जो खुशी था उसको देने के लिए ये लाख और करोड़ में नहीं आएगा। या दुनिया का किसी भी खुशी को जो है उसका शक्ल बना के नहीं दिया जा सकता है, जो ओरिजिनल में इसका खुशी था वो छीन चुका है। मदद के तौर पर जो भी होता है इसको, सरकारी नौकरी चाहे जो हो, चपरासी हो या बड़ा, जो समझ में आए सो कीजिए। तीन गो बच्चा है इसका, उसको गोद लेने के प्रयास कीजिए और इसका जो मौजा होता है उसको दीजिए आप लोग। मैं बस इतना ही कहूँगा जो है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।